बहुत से लोगों को काइन मास्टर के वीडियो सेव करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताऊंगा, और ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। जब हम काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मेट रहते हैं वीडियो क्लिप के कि जो अनसपोर्टेड फॉर्मेट हम उसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, मतलब जब वो काइन मास्टर के ऐप के अंदर कोई वीडियो का फॉर्मेट सपोर्ट भी नहीं करता है फिर भी हम उसको अप्लाई कर देते, मतलब वो क्लिप को काइन मास्टर के अंदर ले लेते हैं एडिट करने के लिए, फिर बाद में सेव करने का टाइम आता है तो सेव करने के टाइम पे बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी है अनसपोर्टेड फॉर्मेट की वजह से आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ऐसा है कि नॉर्मल हमारे जो वीडियो फॉर्मेट रहते हैं वो यूज करने के बावजूद भी हमारा जो वीडियो है वो सेव नहीं हो पाता है, कुछ एरर आ जाते हैं उसके अंदर सेव करने के टाइम पे, तो वो कैसा सॉल्व करते हैं तो वो बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा देना, जो आपको रेड दिख रहा है उसको ब्लैक कर देना, और बाजू का जो बेल आइकॉन है उसको ऑल कर देना। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटाफट काइन मास्टर ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में इसके अंदर हम एक फाइल ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको मीडिया को ऐड कर लेते हैं जो मैंने अभी बनाया हुआ है वीडियो, तो इसको मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ से हम कोई अनसपोर्टेड फॉर्मेट इसके अंदर अप्लाई कर देते, मतलब फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो फाइल सेव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ, ये वाला हमने ले लिया है वीडियो, ठीक है। और अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से, तो ये ऐसा एरर आपको देखने को मिलेगा दोनों भी इसमें, मतलब आप अनसपोर्टेड फॉर्मेट इसके अंदर यूज़ करोगे तो भी आपको ये देखने को मिलेगा, और नहीं भी करोगे तो भी देखने को यही मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसा करना है तो वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बार है आपका, ये लो ये हाई, इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसा आप हिलाएंगे तो यहाँ पे आपको बीट रेट शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे करता हूँ तो देखिए बीट रेट जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है, तो ये आपको थोड़ा सा कम करना है। यहाँ से जो बार है इसके ऊपर ही आपका सेव करने का जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट होता है। देखिए जैसे कि अब मैं इसको कम करता हूँ तो बिट रेट भी कम होता है, और यहाँ से फाइल जो है साइज़ है इसकी वो भी कम होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 38 MB दिख रहा है आपको, तो इसको मैं कम करूँगा तो ऐसे आपका अभी देखिए 19 MB दिख रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा कम करना है, 27 पॉइंट पर आपको ला के छोड़ देना है। तो 27 पॉइंट समथिंग हम कुछ कर देंगे, ठीक है, 12 कर दिया है, और अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इस तरह से आप फाइल को जो है ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, ये बार से कम या फिर ज़्यादा, आपको 27 पॉइंट समथिंग पे कुछ भी रखना है, जैसे कि 27.14, 23 ऐसा कुछ भी रख देना है। इसके बाद में आप जो एक्सपोर्ट करोगे फाइल को तो आपकी सेव हो जाएंगी फाइल। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हो, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा।